अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत पर रिहा करने का आदेश दे दिया। अरविंद केजरीवाल के वकील विवेक जैन जी से हम बात करते हैं। विवेक जी, जो शर्तें ईडी वाले मामले में लगाई गई हैं, वो शर्तें क्या हैं? और एक सवाल का जवाब और चाहूंगा कि क्या ये सिर्फ मुख्यमंत्री के अरविंद केजरीवाल की रिहाई है या देश दिल्ली के मुख्यमंत्री की भी रिहाई है? नहीं, देखिए दोनों चीजें सेम ही हैं। अरविंद केजरीवाल अभी भी दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, तो दिल्ली के मुख्यमंत्री तो बाहर आ गए हैं। एज फार एज कंडीशंस आर कंसर्न, ये कंडीशन सेम है जो ईडी के केस में थी। अगर इसमें वो कंडीशन नहीं भी लगाते तो कंडीशंस एप्लीकेबल होती, क्योंकि ईडी के केस में तो उन्हीं कंडीशंस में आप बाहर आए हैं। उन कंडीशंस में एक कंडीशन ये थी कि आप सीएम सेक्रेटेरिएट में एंटर नहीं करेंगे, और दूसरी कंडीशन ये थी कि आप वही फाइल साइन करेंगे जो एलजी के अप्रूवल के लिए जरूरत थी। उसके लिए भी जस्टिस भुवन, जिन्होंने एक सेपरेट जजमेंट पास किया है, उन्होंने कहा है कि उनको बहुत स्ट्रांग रिजर्वेशंस हैं दैट व्हाई ही शुड नॉट एंटर सेक्रेटेरिएट, पर अभी उनको ऊपर कमेंट नहीं कर रहे उन कंडीशंस पे बिकॉज ऑफ द जुडिशियल प्रॉपर्टी, क्योंकि दूसरी बेंच ने ऑलरेडी इसके ऊपर कंडीशंस लगा रखी है, इसलिए उन्होंने कमेंट आगे नहीं किया। इसमें अगर याचिका दाखिल की जाए स्पष्टीकरण के लिए या मॉडिफिकेशन के लिए, तो प्रक्रिया क्या होती है? प्रक्रिया यही होगी कि एक स्मॉल एप्लीकेशन लगाना पड़ेगा, ये कहते हुए कि देयर इज अ चेंज इन सर्कमस्टेंस एंड दीज कंडीशन शुड बी रिलैक्स एंड मॉडिफाइड। वो हम जब केजरीवाल जी बाहर आएंगे उनसे कन्फर करेंगे, उनसे डिसाइड करेंगे। तो विवेक जी, वो ईडी वाली बेंच के आगे लगाएंगे या इस वाली बेंच? वो डिसाइड करेंगे, हम उनसे मशवरा करके परामर्श करके डिसाइड करेंगे। संजीव जी, इस पूरे फैसले पर आपकी प्रतिक्रिया पहले क्या है? देखिए, ये बहुत बड़ा दिन है, बहुत राहत का दिन है। 5 महीने से माननीय मुख्यमंत्री दिल्ली की जनता की सेवा नहीं कर पा रहे थे, जिस तरीके से वो अरेस्ट होने की वजह से आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बेल ग्रांट कर दी है, और अब अरविंद केजरीवाल जी शाम को बाहर आएंगे और दिल्ली की जनता की सेवा में पूरी तरीके से। जो गिरफ्तारी को लेकर दोनों जजेज के अपने अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू हैं, दोनों जजेज के अलग अलग व्यूज आए हैं, उसमें डिटेल ऑर्डर आने के बाद मैं उस पर कोई कमेंट करूंगा, लेकिन ये बात तय है कि बेल ग्रांट हो गई है, अरेस्ट पे दोनों जजेज के अलग अलग व्यूज। ऐसे में क्या वो दफ्तर अटेंड कर पाएंगे? चूंकि ये कहा जा रहा है, एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि वो दफ्तर सीएम दफ्तर में नहीं जा पाएंगे अभी जब तक क्लीन चिट पूरी नहीं मिल जाती है। नहीं नहीं, ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री अपनी तरफ से पूरी तरीके से मुख्यमंत्री पद को निभा पाएंगे, ऐसी कोई कंडीशन अभी तक मेरी नॉलेज में नहीं है। बाकी डिटेल ऑर्डर आने के बाद उसके बारे में। इसमें ये कि बाकी ईडी में जो शर्तें थी उसमें ये थी कि एक तो वो जांच में सहयोग करेंगे, और क्या क्या शर्तें थी उसमें? जांच में सहयोग करेंगे, जब भी कोर्ट्स में हियरिंग होगी उसमें इन पर्सन या एग्जम्पशन अलाउ करेगी कोर्ट, तो उसके अकॉर्डिंगली फॉलो करना पड़ेगा। 10 लाख रुपए का मुचलका है, उसको फॉलो करना पड़ेगा। और इस तरह की और कोई जनरल कंडीशन है सीबीआई के जो मैटर्स हैं, इस पे कोई जनरल कमेंट्स नहीं कर पाएंगे। यानी पासपोर्ट उनका वैसे भी अदालत में रहेगा? वो ऑलरेडी है। 13 सितंबर आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के लिए बड़ा दिन। सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ ने अरविंद केजरीवाल को सर्वसम्मति से यानी आपसी सहमति से जमानत पर रिहा करने का आदेश दे दिया है। कुछ शर्तें लगाई हैं, उन्होंने ये कहा है कि जो शर्तें हैं वो ईडी मामले में उनको जमानत पर रिहाई के आदेश वाली शर्तें ही लागू होंगी। हमारे साथ अरविंद केजरीवाल के वकील हैं ऋषिकेश जी। ऋषि जी, शर्तें क्या क्या हैं जो ईडी मामले में भी लगाई गई थी? देखिए, ईडी मामले में जो शर्त लगाई गई थी वो एक तो 10 लाख रुपए की जो श्योरिटी थी वो हमें सबमिट करना था, 10 लाख रुपए की श्योरिटी वो हम करेंगे। एक जो कंडीशन के बारे में जो चर्चा बहुत हो रही है कि वो एज अ चीफ मिनिस्टर फाइल साइन करेंगे या चीफ मिनिस्टर ऑफिस विजिट करेंगे, इसमें भी आज जो है ऑल दो कंडीशन जो है सेम रखी गई है, लेकिन डिफरेंस ऑफ ओपिनियन इस पे भी जो है जाहिर की गई है। जो जस्टिस बोयान ने कहा है कि ये कंडीशन जो है वो एग्जेजरेटेड है और वो जस्टिफेबल नहीं है, लेकिन चूंकि डबल बेंच ने ऑलरेडी एक ईडी के मामले में ये कंडीशंस रखी है तो वो कंडीशंस रहेगी। अभी वो फिलहाल अगले स्पष्टीकरण तक अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री के रूप में सचिवालय नहीं जा सकेंगे, अपने दफ्तर नहीं जा सकेंगे, लेकिन पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक के रूप में वो चुनाव में बिल्कुल उस पे कोई रोक ठोक नहीं है। पार्टी के तौर पे, पार्टी के नेता के तौर पे, पार्टी के लीडर के तौर पे जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज है उस पे कोई एम्बार्गो नहीं है, कोई उस पे जो है वो नहीं। तो ऐसे में आपको लगता है कि एक और याचिका मूव करके इस पर भी स्पष्टीकरण लेना चाहिए? एक बार माननीय अरविंद केजरीवाल जी जेल से बाहर आ जाए, वो सबसे पहला मकसद हमारा ये है कि आज उनकी जो श्योरिटी की प्रोसीडिंग्स है उसको हम पूरा करें, और बाकी जो कंडीशंस को लेकर क्या होगी वो एक बार जब बाहर आएंगे उनसे चर्चा करके फिर इसमें करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यानी ऋषिकेश सिंह ने ये साफ कह दिया है कि अब अरविंद केजरीवाल एक बार बाहर आ जाएं तो उनसे बातचीत करने के बाद कि अब इसमें आगे क्या किया जाए, और इसमें वो एक और याचिका दाखिल कर सकते हैं जिसमें उनके मुख्यमंत्री के रूप में काम करने को लेकर, फाइलें निपटाने को लेकर भी कोर्ट से स्पष्टीकरण ले लिया जाए। कैमरामैन प्रदीप गुप्ता के साथ संजय शर्मा, दिल्ली आज तक।